बिल्कुल सही पढ़ा और सही देखा आपने। आज का हमारा टाइटल, जिसमें आपने देखा कि बिना किसी वाईफाई और हॉटस्पॉट के अपने मोबाइल में इंटरनेट का यूज़ करें, कैसे ये पॉसिबल है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट हिमांशु और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रबल शूटर पर। आज हम यही बात करेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल में बिना वाईफाई और हॉटस्पॉट कनेक्शन के इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि वाईफाई या हॉटस्पॉट ऑन होने पर हमें कनेक्शन प्रॉपर नहीं मिलता, कनेक्शन डिसलोकेट होने लगता है या और अन्य लोग हमारे कनेक्शन में आकर हमारे डेटा को यूज़ करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा इंटरनेट हम एक मोबाइल से अपने दूसरे मोबाइल में या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में यूज़ करें, लेकिन और यूज़र्स उसको यूज़ ना कर पाएं, क्योंकि जब हम अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो कई सारे लोग हमारे हॉटस्पॉट को देखकर कहते हैं कि भाई हमको भी वाईफाई अपना ऑन करना है, हम भी वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं। तो ऐसी परेशानियों से बचने के लिए क्या करें, हम कैसे हम अपनी डिवाइस को इंटरनेट फैसिलिटी भी अवेलेबल कराएं और हॉटस्पॉट या वाईफाई को भी ऑन ना करें, तो इसी पर है मेरा आज का ट्यूटोरियल। तो हम सीखेंगे कि कैसे बिना हॉटस्पॉट या वाईफाई के भी हम इंटरनेट कनेक्शन दो मोबाइल के बीच में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल, इंटरनेट चलाएं बिना हॉटस्पॉट के। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम बिना हॉटस्पॉट या वाईफाई के स्टार्ट कर सकते हैं अपना इंटरनेट। इसके लिए सबसे पहले हमें जिस मोबाइल से इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना है उसकी सेटिंग में जाना होगा। उसकी सेटिंग में जाके हम जाएंगे कनेक्शन एंड शेयरिंग ऑप्शन पर। कनेक्शन शेयरिंग ऑप्शन पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्लूटूथ थ्रेटनिंग। ब्लूटूथ थ्रेटनिंग को ऑन कर देंगे और हम वापस से मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब हम सेकंड मोबाइल पर जाएंगे जिसमें हम कनेक्शन लेना चाहते हैं, उसमें जाकर सबसे पहले हम अपना ब्लूटूथ ऑन करेंगे। ब्लूटूथ ऑन करते ही हम उस डिवाइस को रीड करेंगे जिसका हमने ब्लूटूथ थ्रेटनिंग ऑन किया है। यहाँ देखिए मेरा रेडमी नोट 5 प्रो ऑन हो गया है, मैंने यहाँ पर इसके ब्लूटूथ कनेक्शन को क्लिक किया है। जैसे ही मेरा ब्लूटूथ कनेक्शन इससे ऑन हो जाएगा, मुझे यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्शन ऑन दिखाई देने लगेगा और मेरे मोबाइल में उस तरीके से नेट आएगा। यहाँ पर हम दोनों में से किसी मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ और कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसे ही कनेक्शन अवेलेबल हो जाएंगे वैसे ही ये डिवाइसेस आपस में पेयर हो जाएंगे और आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा जिससे ये डिवाइस पेयर होकर दिखाई देगी। देखिए पेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पेयर कर देंगे, इस पर भी पेयर कर देंगे, दोनों डिवाइसेस पेयर हो गई हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ही ये डिवाइसेस पेयर हुई हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं। यहाँ पर मैंने यूट्यूब को खोला है, यूट्यूब पर यहाँ सर्च करेंगे, मैं अपना ही चैनल सर्च कर रहा हूँ ट्रबल शूटर हिमांशु। देखते हैं क्या नेट कनेक्शन आता है, क्या ये सर्च करता है या नहीं। यहाँ पर देखिए जैसे मैं अपना पिछला वीडियो चला रहा हूँ और यहाँ पर वीडियो हेलो दोस्तों प्ले होने लगा है और आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा नेटवर्क ऑफ है, मैं केवल ब्लूटूथ के माध्यम से इसको यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट करके आपस में यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कनेक्शन शेयरिंग पर जाकर ब्लूटूथ थ्रेटनिंग को ऑन करना पड़ेगा और इसमें आपकी एक डिवाइस ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट होकर इंटरनेट को यूज कर पाएगी। तो उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा कि कैसे हम बिना हॉटस्पॉट या वाईफाई के ब्लूटूथ की मदद से ही केवल इस इंटरनेट के कनेक्शन को अपने में ऑन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल आज का पसंद आया हो तो कमेंट करिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप इसी तरह के सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो मेरे चैनल ट्रबल शूटर को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा खुश रहिए, थैंक यू।